चलो भाई आ जाओ। भाई ऐसा ऐसा स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस कोई भी बच्चा ना ले, ठीक है? जो आप लोगों की शक्लें देखो लगता है बिल्कुल भी स्ट्रेस आप लोगों को देखो है। काजल को अब क्या क्या मिल गया होता उसको? कुछ भी नहीं मिला ना उसको, सब खराब है। प्रोटेस्ट हुआ था। कुछ नहीं हो पाएगा अगर कोई भी वैलिड ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज टीचर्स उस पर दिखा देगा कि मैं तो भाई पढ़ाने के लिए। कौन से स्कूल के बच्चे हैं ये? अंजावला स्कूल के? अपने कराला स्कूल के बच्चे हैं? क्लास चलो ये देखो। नहीं मजाक नहीं है, पता है क्या चक्कर है? ए क्लास, इसको पता है मजाक में नहीं, इसको देखो ऐसा है कि आप अपने दोस्तों से रहते हो, कोई भी फ्रेंड आपका आपको लग रहा है ना कि किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है किसी तरह की, तो पता है क्या होता है कभी कभी दोस्त लोग ना बहुत ज्यादा गॉसिपिंग में लगे रहते हैं और मजाक 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 ही करते रहते हैं कि अरे तो ऐसा ये तो वैसा, और बहुत लेट होता है कभी कभी, है ना? जैसे कि बताया आप लोगों ने कि कुछ दो बच्चों ने ऐसा इंसिडेंट करा, और ये चीज जो होती है ना दोस्त सबसे जल्दी समझता है, घर वालों से पहले दोस्त समझ जाता है कि मेरे सच में किस दोस्त को ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहा है, चाहे पढ़ाई का, फैमिली का, वट एवर, कुछ भी कुछ और लग रहा है कि क्या बात चल रही है। एक्चुअली कुछ बता रहे हैं बच्चे की दो बच्चों ने किसी तरह का साइड वगैरह कुछ कर लिया स्ट्रेस की वजह से। तो कोई भी बच्चा ना देखो पढ़ाई एक प्रोसेस है, फॉलो कर रहे हैं बस, इसको इतना स्ट्रेस कभी नहीं बनाना कि जान पे बात आ जाए, है ना? इतना स्ट्रेस नहीं बनाना है, एक लिमिट तक स्ट्रेस बनाना है, ठीक है? वहां तक जितना हमारी क्षमता है उतना करना है, और क्षमता ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है कुछ और मिलेगा, लेकिन इतना प्रेशर में किसी को नहीं आना। कोई बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है ना, सो टॉक टू योर फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज हैं आपके, फ्रेंड ऐसे हैं जो मस्ती करते हैं ज्यादा, टॉक टू योर टीचर, अपने टीचर से बात करो, बड़े भाई बहन कोई तो होगा जिसके सामने बातें रख सकते हो, लेकिन ये चीजें बच्चों क्लास देखो भाई, और क्लासेस भी सेंटर में चल रही है, कोई टीचर आके बोलता है बहुत शोर कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बोर्ड में देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज्यादा गारंटेड क्वेश्चन एग्जाम में है भाई, पक्का आएगा। एक वीबीटी से मान लो, एक सीएफटी से मान लो। मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों को वीबीटी वीबीटी का एक क्वेश्चन दूं कि कोबाल्ट Cl6 3- और एक दूं मैं आप लोगों को कोबाल्ट Ns3 6 3+, कितनी देर में कर सकते हो दोनों का पूरा मैटर बना के, पूरा पहले वाला फिर दूसरा और हाइब्रिडाइजेशन? 5 मिनट में कर सकते हो? जल्दी करके दिखाओ, कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बताऊंगा इसलिए बोल रहा हूं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर दोनों केस करोगे, करो एक बार, कुछ बात है बताऊंगा, आप करोगे तो पता लगेगा सीएफटी में क्या नया है, याद आना बहुत जरूरी है।
सभी बच्चों मुझे करते दिखना, आप लोग वीबीटी का इसका केस और इसका दोनों का केस करेंगे, फिर सीएफटी शुरू कर सकते हैं। पहले मुझे वीबीटी के थ्रू दोनों की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताओ। आपको एक बात क्लियर है कि पहले वाला वीक लिगेंड है और बाद वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब शुरू हो जाओ जल्दी से। अच्छा, ये चीज रिपीट क्यों करिए, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आइए भाई, तो सभी बच्चों का अगर ये आंसर आया तो आपको बीबीटी आता है, पोटेंशियल वाली बात नहीं है ना, आपको बस स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की लिस्ट बनवा देंगे यार, आपका काम चल जाएगा। सो गाइस, मुझे इस हिसाब से बताइए कि अभी तक ये वाली बात क्लियर है, सीएल के केस में SP3 D2 और NH3 के केस में D2 SP3, और रीजन क्या है आपको पता है? जब वीक लिगेंड आता है तो आपको पता है जो सेंट्रल एटम है, सब बच्चे भाई यहाँ पर ध्यान दो, अब लिखना बंद कर दो, बिल्कुल लिखना बंद कर दो, सीएफटी समझने के लिए आपको बिल्कुल बोर्ड पर देखना पड़ेगा भाई, और लगभग 20-25 मिनट की पूरी थ्योरी है, ढंग से समझोगे तो मजा आएगा, नहीं तो भाई प्रॉब्लम लगेगी भाई, ठीक है? तो सब बच्चे बिल्कुल अब लिखना बंद करें, आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सो बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन लेवल बोर्ड पे होना चाहिए। अब बात सुनो, मेरे पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट कैसा होगा बताओ जरा, कोबाल्ट का जो भी न्यूक्लियस होगा ऐसे करके, उसके कोई अलोंग में एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा, और बोलो क्या होगा, जेड भी होगा। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि कोबाल्ट का अगर कहीं सेंटर है, हाँ भाई अनुराग, कोबाल्ट का कहीं सेंटर है तो उसके अलोंग एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है और जेड भी, मतलब पूरा ऐसे कोबाल्ट का एटम होगा, कोबाल्ट का ऐसे एटम होगा और ये एक्स एक्सिस और ये वाई और ये जेड, और लिगेंड्स आएंगे 6 डायरेक्शन से, मान लो 2 एक्स से, 2 वाई से और 2 समथिंग लाइक दैट, कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये बोलो क्या है, जेड है, और ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। गाइस बोर्ड पे कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ
कोबाल्ट का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं 1s में 2s में, ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं। अब लिगेंड जब आते हैं, आपको पता है आउटर शेल तो 3D की वगैरह की है, तो जब लिगेंड्स आएंगे तो कहां से आएंगे बोलो? दो आएंगे एक्स एक्सिस से, दो आएंगे वाई से, और दो आएंगे, यार आप अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री याद कर रहे हो 10th क्लास में जो 11th क्लास में जो आपने पढ़ी थी, चार तो ऐसी प्लेन पे थे और एक ऊपर था और एक, देखो ना चार तो इसी प्लेन पे हैं और एक ऊपर है और एक, तो छह बॉन्ड ऐसे ही बनते हैं बच्चों, दो आएंगे एक्स से, दो आएंगे वाई से, और दो आएंगे जेड से। क्लियर है? मैंने आपको ये बोला था कि बच्चों अगर हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी फील्ड्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो क्या फील करेंगे बोलो? रिपल्शन, और वो पेयर्ड हो जाएंगे। यही मैंने आपको बताया था बेटी में, नहीं आ रहा यार। तो जब एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है किसी सेंट्रल एटम को तो सेंट्रल एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन फील करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं, लिगेंड भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन लगता है, और इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन लगने की वजह से वो एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर मतलब पेयर्ड होने की कोशिश करते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन अगर वीक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही है लिगेंड की वजह से, तो जब लिगेंड मेटल को अप्रोच भी करेगा तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का बहुत हाई रिपल्शन फील नहीं होता, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जैसी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे ही रहते हैं, वो पेयर्ड नहीं होते। यही कहानी बताई कि नहीं बताई? बट इसी सब बात को समझाने के लिए एक और थ्योरी आई जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं बड़ा लॉजिकल रीजन दूंगा जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कराऊंगा एक से दो क्लास के अंदर, आज वो CFT हमें करनी है बच्चों। सो गाइज अब जो नेक्स्ट हमें करना है ना, दिस इज CFT, इसका नाम है पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी बोल देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी या CFT बोल देते बस। सो गाइज एक बात सुनिएगा, आइए, बहुत जरूरी चीज है। आप मुझे बताओ कि मेरे पास कोई भी केस दे लीजिए, मान लीजिए कोबाल्ट NH3+ 3+ है, आप मुझे बस ये बताओ कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 27 इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलोगे 18 तक ऑर्गन है सर, फिर दो 4s में है और फिर 3d7 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट अपनी कोबाल्ट स्टेट में, तो आप कहेंगे नहीं सर, कोबाल्ट 3+ स्टेट में है, क्योंकि अगर आप निकालोगे एक्स और 6 का 0 बराबर कितना आएगा? +3। So X will acquire the +3 charge, means cobalt will be in the +3 state. So +3 state में मुझे बताओ ये कैसा दिखेगा? दो इलेक्ट्रॉन 4s के चले जाएंगे और एक बोरो 3d का चला जाएगा, तो it will be 3d6. It will be, समझे नहीं? क्योंकि हमेशा पहले 4s से जाता है, बाद में किससे जाता है बोलो? 3d से। तो आपको पता है कि कोबाल्ट की जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, कोबाल्ट की जो 18 इलेक्ट्रॉन है ऑर्गन तक का कॉन्फिगरेशन, वो तो किसी भी तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, कर्नल इलेक्ट्रॉन है। आउटर के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है यही पार्टिसिपेशन वगैरह में करने वाले बॉन्डिंग। अब सुनिएगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से ऑर्बिटल में बोलो? 3D ऑर्बिटल में। और थोड़ा सा 11th क्लास याद करते हैं, जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, ये जो 3D ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान देना, ये क्या 3D सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स में घूमते होंगे, आप याद करें इनके नाम होते हैं, इसका नाम होता है DXY, इसका नाम होता है DYZ, इसका नाम होता है DZX, इसका नाम होता है DX2Y2, और इसका होता है DZ2। एक्चुअली में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स ना डी ऑर्बिटल में। और ये 10 किस में होते हैं? दो DXY में, दो DYZ में, दो DZX में, दो DX2Y2 में, दो DZ2 के अंदर। लेकिन आप मुझे बताइए जरा इनकी पोजीशंस कैसे होती है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये बोलो क्या है? वाई एक्सिस है। बच्चों बोर्ड पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया समझ में, CFT नहीं आएगा समझ में। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये सबसे जरूरी चीज़, और आपको 11th का आता है ना, तो मैं रिपीट करने वाला हूँ पूरा 11th का, बहुत बढ़िया रहेगा जिसको 11th का आता है। तो आप मुझे बस ये बताइए कि जो DXY के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन तक के हैं, तो ऑर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करनी सचिन, क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो तो सर जैसे कि होता है ना कि अंदर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ही आपको पता है किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 18 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये 6 इलेक्ट्रॉन बोलो किसमें? बोलो डी ऑर्बिटल्स में। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास कोबाल्ट का एटम है, अपनी से ये कैसा एटम है बच्चों? इस एटम को इसका बोलो क्या बोलो? न्यूक्लियस है। क्या बोलो? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डी ऑर्बिटल में घूमते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जो DXY में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है, समझने की कोशिश करना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मौजूद है DXY के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है मान लो, है ना, सब में दो दो हो सकते हैं, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स DXY में है तो वो एक्चुअली में कहाँ घूम रहे होते हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उसने बोला XY नाम है इसका DXY, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस के बीच में घूम रहे होते हैं डबल डंबल शेप में। ये डबल डंबल शेप का मतलब भी मैंने आपको बताया था बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, चिंता मत करो, मेरी बात को अच्छे से सीखना, अगर ये नहीं सीखा तो भैया मैं जिम्मेदार नहीं, तुम्हें CFT समझ में नहीं आएगी।
आप ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये बोलो कौन सा एक्सिस है, बोलो वाई एक्सिस है, और जेड आपको पता है वैसे कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन है बोलो, ये कोबाल्ट है आयुष, कौन है ये कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो डी एक्स वाई में मौजूद है, किसमें मौजूद है बोलो, डी एक्स वाई में, ये कैसे घूम रहे हैं सर, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, डबल डंबल मतलब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं सब में इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, तो जो डी एक्स वाई के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे घूमते हैं, वो यहां घूमते घूमते यहां चले जाते हैं और यहां घूमते घूमते यहां चले जाते हैं, मतलब लेकिन घूमते बोलो कहां पर है, एक्स और वाई के बीच में। कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन दो है, आपने लोब चार बना दिए, है ना, चार का मतलब क्या है, एक्चुअली में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां घूमते घूमते ना अपनी पोजीशन चेंज करके यहां चले जाते हैं, और कुछ यहां घूमते घूमते अपनी पोजीशन चेंज करके यहां चले जाते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन दो है लेकिन पोजीशन उनकी बोलो क्या है, चार है, नहीं है मतलब दो बच्चे हैं लेकिन बैठते चार सीटों में, कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, तो वो लोकेशन हमने मार्क कर दी। लेकिन इतना आप समझ लीजिए बच्चों कि जो डी एक्स वाई के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कहां घूम रहे होते हैं, समझ लो, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, उनका रिवोल्यूशन, उनका जो जहां पर भी वो घूम रहे हो किस तरीके से घूम रहे बोलो, एक्स और वाई के बिल्कुल बीच में, ना वो कभी एक्स एक्सिस पे आते हैं ना कभी वाई पे आते हैं, बस हमेशा उनके बीच में रहते हैं और जड़ पे जाते नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आया सर, पक्की बात है, सबको क्लैरिटी आ रही है इसमें, डी एक्स वाई के इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं। अच्छा वैसे वैसे अगर मैं आपको जेड एक्सिस बना के दिखाऊं तो वैसे जेड एक्सिस कहां पर होगा, तो आप लोग जानते हो कि सर ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और जेड वैसे बाहर की तरफ होता है, लेकिन ऑन पेपर तो जेड सर ऐसे ही बना है आज तक, बोलो है कि नहीं। तो मैं जेड अगर यहां बनाना भी चाहूं तो मैं बना सकता हूं कि सर ये वाला एक्सिस बोलो क्या है, जेड एक्सिस, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये मेरे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जेड पे नहीं है, वो कहां घूम रहे हैं बताओ जरा, एक्स और वाई के। आप इसको बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं डी एक्स वाई के, एक्स और वाई के। नहीं आ रहा ना समझ में, मैं दो तरीके से बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। एक मेरे पास क्या होगा, अरे भाई प्लीज बातें मत करो यार, टॉपिक खराब मत करना। तो इसमें ना वो आपको दिख रहा है जेड पे, लेकिन घूम कहां रहा है बोलो, एक्स और वाई के, क्योंकि 3D यार 2D बोर्ड है, 3D चीज बनानी है तो दिखेगा ऐसा, धोखा लगेगा बस, लेकिन घूम कहां रहे हैं बोलो, एक्स और वाई के, वो बस दिख रहा है आपको जेड एक्सिस वहां पर। सिमिलरली जो अगले दो इलेक्ट्रॉन डी वाई जड़ के, आप बताओ कहां घूमेंगे बोलो, वाई और जड़ के बीच में। वाई और जड़ कहां पर होता है बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पर। तो ये मेरे पास मान लीजिए सब बच्चे, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, और ये मेरे पास बोलो क्या है, जेड है। तो वाई और जड़ प्लेन कौन सा होगा, वाई और जड़ प्लेन कौन सा होगा, अरे इधर भाई, वाई और जेड प्लेन कैसा होगा, तो एक्स को निकाल दो एक बार, एक्स को निकाल दो। अब देखो यहां पर आगे की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, तो इनके भी चार बनेंगे, लेकिन कहां घूमेंगे बोलो, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। मैं आपको दिखाऊं, इसका प्लेन ये वाला है, जो मेरा हाथ है ना, इसका प्लेन ऐसा है, इसका प्लेन ऐसा है, और एक्स वाई का प्लेन पता कैसा था, एक्स वाई का प्लेन ऐसा था, तो वो मेरे इस हाथ पे घूम रहे हैं और ये मेरे इस हाथ पे घूम रहे हैं, मतलब ये आगे और पीछे, और वो इधर और इधर, अलग फ्रेम है कि नहीं बताओ जरा, नहीं समझ में आ रहा। तो सर जो डी वाई जड़ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दो इलेक्ट्रॉन डी वाई जड़ के बोलो कहां घूमते हैं, वाई और जड़ के बीच में। अब मैं बोर्ड पे इसको कैसे बनाऊं वाई और जड़ के बीच में, सो गाइस ध्यान देना, एक तो वाई और जड़ के बीच में ये जगह बचती है, इधर बना दो, और एक मजबूरन मेरे को कहां बनाना पड़ेगा बोलो, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं, वो एक्स पे नहीं है, वो कहां पर है, वाई और जड़ के, जैसे कि इसमें वो आपको जड़ पे दिख रहा है बट जड़ पे नहीं है, वो एक्स और वाई के बीच में। सिमिलरली डी वाई जड़ के इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वाई और जड़ के बीच में होते हैं, एक्स पे नहीं होते, बट 3D डायग्राम है तो भैया प्रॉब्लम करेगा, आशुतोष नहीं आ रही बात समझ में। इसके बाद आप मुझे बताइए डी जेड एक्स के कहां घूमेंगे बोलो, अरे बोलो बोलो, डी जेड एक्स के कहां घूमेंगे, जेड और एक्स के बीच में, जेड और एक्स के बीच में। तो बोर्ड पे तो बनाने के लिए मैं जेड और एक्स के बीच में कैसे बनाऊंगा बोलो, ये पोर्शन जेड और एक्स के बीच में है, और एक मैं वाई पे बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो वाई पे नहीं है बच्चों, वो जेड और एक्स के बीच में है, और जेड और एक्स के बीच का प्लेन मुझे बताओ कौन सा होगा। अरे यार बातें नहीं यार, तुम कैसे बातें कर रहे थे टॉपिक्स में भी, ये वाई है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, जेड और एक्स बताओ कौन सा, वाई को हटा दो, वाई को हटा दो, तो ये जेड और ये एक्स, तो यहां 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 इसका प्लेन ये वाला है, इसका प्लेन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डी एक्स वाई वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में इस प्लेन पे, डी वाई जेड के कहां घूम रहे बोलो, वाई और जेड प्लेन पे इस हाथ में, और जेड एक्स के कहां घूम रहे बोलो, इस हाथ पे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वाई और जेड के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जेड और एक्स के बीच में। लेकिन ये सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये घूमना कहां पसंद करते हैं बोलो, एक्सिस के बीच में। मैंने हालांकि 11th क्लास में इसका भी रीजन दिया था, एक्सिस के बीच में क्यों घूमते हैं, क्योंकि बच्चों डी ऑर्बिटल से पहले ना बहुत सारे पी ऑर्बिटल्स भरे होते हैं, और पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर घूम रहे होते हैं बोलो, पी एक्स के बिल्कुल एक्स पे, पी वाई के बिल्कुल पी वाई पे, और पी जेड के बिल्कुल पी जेड पे। नहीं आ रहा यार, तो जब ऑक्यूपाई हो चुकी है एक्सिस वाली जगह, तो इलेक्ट्रॉन्स वो वाली जगह को चूज करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं, रिपेल।
तो डी ऑर्बिटल से पहले कौन से ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, बोलो पी ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल्स। और पी ऑर्बिटल्स भर चुके होते तो पी ऑर्बिटल्स कहां पर भरते हैं, बोलो पी एक्स पी वाई और पी जेड। कुछ याद नहीं आ रहा ना, पढ़ाई नहीं है आपने, क्या पढ़ जा रहा है, पढ़ा है ना पी एक्स पी वाई और पी जेड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्सिस पे घूम रहे होते हैं। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट करते हैं कहां घूमते हैं, एक्सिस के बीच में। समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी छह इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है। अच्छा इसी चीज को ना, ए ए प्लीज, इसी चीज को बुक्स ने ना और तरीके से भी दिखाने की कोशिश करी है। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी प्रेजेंट करती है कि एक्स और वाई का कुछ ऐसे बना देती है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाला बोलो क्या है, वाई एक्सिस है। सीधा बोल देते कि डी एक्स वाई को क्यों हमें झमेला करना, जड़ बनाओ मत। क्या कहती है, क्या कहती है, जड़ बनाओ मत, सीधा एक्स और वाई के बीच में, समझे। और सुनो, और सुनो फिर क्या कहती है, जब डी वाई जड़ बनाओगे तो एक काम करना ना, इस वाले को वाई मान लिया, इसको एक्स मानो ही मत ना, इसको क्या मान लो, बोलो जेड। तो अगर इसको जेड बोल दोगे तो क्या दिक्कत है, एक्सेस तो किसी को भी नाम दे सकता हूं मैं, तो ऐसा बन जाएगा। अरे नहीं आ रहा तुम्हें समझ में, कह रहे पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए क्या अब, कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई। तो हर बुक अलग अलग बनाती, कहीं तुम किसी बुक में ये पढ़ लो और तुम कहो कि सर सर आपने तो कुछ और ही कराया है, हमें तो कुछ और मिला हुआ है, तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, ये अब कौन सा बनेगा, जेड एक्स। जेड एक्स में किसी को भी ले लो, उसको मान लो एक्स ही ले लिया मैंने और उसको बोलो मैंने क्या ले लिया, जेड। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं, बस एक्सिस के नाम देख लो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये वाला कौन सा बोलो, डी एक्स जेड, ये वाला कौन सा बोलो, डी वाई जेड, ये वाला कौन सा बोलो, डी एक्स वाई। मीन्स आपको कुछ पंगा नहीं करना, सीधा एक्सिस के नाम चेंज कर दिया और इनके थ्रू पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि डी ऑर्बिटल के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे होते हैं, दो एक्स और वाई के बीच में, अभी ना समझ में आ रहा है, दो वाई और जेड के बीच में और दो जेड और एक्स के बीच में। आप ये सर ये सब क्यों बताया जा रहा है, करना क्या है इसका, अब थोड़ा वेट करें, पहले एक बार समझ लीजिए इस चीज को, फिर तुम्हें बताऊंगा एक्चुअली मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना। चल रही वीडियो ना, वीडियो किस चीज की, जरूरत नहीं यार, जरूरत नहीं है, लाइव में दिखाई थी। अब तुम मुझे बताओ, क्लास क्लास प्लीज प्लीज। अब अगला वाला है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। व्हेन यू से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो सिंपली सिंपली इलेक्ट्रॉन्स फिर से कहां घूमना शुरू करते हैं, बोलो एक्स और वाई पे। तो ये मान लो एक्स है और ये मान लो क्या है, बोलो वाई। तो मुझे तुम बताओ फटाफट से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, बोलो ये बिल्कुल एक्सिस पे घूम रहे होते हैं, कहां घूम रहे थे बोलो, लेकिन ऐसे घूम रहे होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन यहां घूमते घूमते वाई पे चला जाता है, कभी एक्स पे घूमते घूमते इस वाई पे आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां घूमते घूमते वहां, वाला इलेक्ट्रॉन यहां घूमते घूमते यहां, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कौन सा होता है बोलो, ये कौन सा होता है बोलो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चिंता मत करिए, अगर ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हें सीएफटी में 10 मिनट में समझा दूंगा पूरा, लेकिन ये समझ में नहीं आया ना, सीएफटी कुछ नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। अब आते हैं डी जेड स्क्वायर पे। अब आप मुझे बताओ डी जेड स्क्वायर कैसा होगा, तो ये मेरे पास जेड एक्सिस है, नाम से ही पता लग रहा है जब डी जेड स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमेंगे, बोलो जेड पे। तो इलेक्ट्रॉन्स ना जेड एक्सिस पे घूम रहे होते हैं, और थोड़ा सा बताऊं यहां तो घूम ही रहे होते हैं, थोड़ा सा एक रिंग भी बनता है इसके चारों तरफ इस तरीके का, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का सारा सराउंडिंग ना जेड के आसपास ही होता है, मतलब जेड एक्सिस पे ही होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों चल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स ना ये पोजीशंस अपने आप ऐसे चूज करते हैं ताकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल ना कर सके। आप बताओ ना इलेक्ट्रॉन्स क्यों एक्स और वाई और जेड, वाई और जेड और जेड के बीच में घूमना शुरू करा, क्योंकि उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्सिस पे घूम रहे थे तो उन्होंने बीच की जगह चुनी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब उनको दिखा कि बीच की जगह भर चुके तो फिर उन्होंने कौन सी जगह चुन ली, एक्सिस वाली, एक्स और वाई चुना। अब उसके बाद क्या हुआ, जब एक्स और वाई भर गया तो किसकी चुना, जेड वाला चुना। तो मेरे जो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं आपको ये जरूर पता है कि कोबाल्ट के चारों तरफ, लखन इधर, कोबाल्ट के चारों तरफ आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और बोलो एक z, 1s 2s जैसा भी है वो है। मैं आउटर के 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, आउटर के 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ कोई भी सेंट्रल एटम के ऑर्गन के पास जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे घूम रहे हैं बोलो, कुछ घूम रहे हैं x और y एक्सिस के बीच में, कुछ घूम रहे हैं y और z एक्सिस के बीच में, कुछ घूम रहे हैं z और x एक्सिस के बीच में, कुछ घूम रहे हैं x स्क्वायर और y, मतलब x और y एक्सिस पे, और कुछ घूम रहे हैं बोलो किसमें, z पे। क्लियर है कि नहीं, नहीं आ रहा समझ। पांच ऑर्बिटल में से तीन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं, एक्सिस के बीच में, और दो ऑर्बिटल्स कहां घूमते हैं बोलो, एग्जैक्टली एक्सिस पे। एग्री और नॉट, अब ये सब क्यों बताया गया तुम्हें, अब समझ में आने वाला है। अब इस टॉपिक की सबसे जरूरी चीज डिस्कस होने वाली है, इसलिए बिल्कुल नजरें आपकी बोर्ड पे हो। इधर अनुराग, मिठाई हो जाएगी बेटे, अब सुनो, आ जाओ, आपके सामने एक केस है। अब देखो सीएफटी ने बड़ी जबरदस्त बात की, सीएफटी ने बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक दिया, वो पेयरिंग क्यों होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग क्यों नहीं हो पाती, उसका इन्होंने बहुत ही जेन्युइन रीजन दिया और आपको ढंग से इसको समझना है। ये क्या कहता है, कहता है कि देखो भाई अगर ये कोबाल्ट है
और ये कोबाल्ट के अंदर, ध्यान देना भाई सब बच्चे, अगर ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और सर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों इस कोबाल्ट के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो या तो एक्स और वाई के बीच में घूम रहे हैं, वाई और जेड के बीच में, या जेड और एक्स के बीच में, या एक्सिस पे घूम रहे हैं, एक्स पे, वाई पे, या जेड पे, है ना। अब आप मुझे बताइए जो लिगेंड्स है वो कहां से अप्रोच करेंगे, लिगेंड्स कहां से अप्रोच करते हैं इस सेंट्रल एटम को। दो आते हैं एक्स एक्सिस से, दो आते हैं वाई से, और दो आते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोग इसको ऐसे देख लीजिए कि ये कोबाल्ट है। यार ढंग से सुनो यार, कोबाल्ट है, दो आएंगे इधर से एक्स एक्सिस से, दो आएंगे ऊपर से नीचे से, और एक आगे से और एक पीछे से, हो गए पूरे, हो गए छह लेंगे। अब आपसे मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है, आपको बताना है, मेरे पास जो पांच ऑर्बिटल्स हैं उनमें से तीन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एक्सिस के बीच में, और दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, ऐसे ही घूमते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब लिगेंड्स आएंगे तो किन तरह के ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेंगे, कौन सी वाली जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए अनस्टेबल हो जाएगी, वो वाली जगह जो एग्जैक्टली एक्सिस पे है या वो वाली जगह जो एक्सिस के बीच में है। मेरा सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए या किन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन ज्यादा फील होगा जब लिगेंड आएंगे दोनों एक्स डायरेक्शन से, नाजिया यहां पर, दोनों एक्स डायरेक्शन से, दोनों वाई से और दोनों जेड से। मेरा सवाल ये है कि जब छह डायरेक्शन से लिगेंड आएगा तो कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो या तो एक्सिस के बीच में घूम रहे हैं, एग्जैक्टली कहां घूम रहे हैं, एक्सिस पे, दो ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस पे घूम रहे हैं और तीन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं, बोलो, एक्सिस के बीच में। मेरा सवाल ये है कि किन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फेस होगी जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा, जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस पे ही घूम रहे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन एक्सिस के बीच में है। दुश्मन सामने से आ रहा है, ये एक्सिस वाली साइड से आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे बैठे हैं सबसे पहले तो उन्हीं पे खतरा है ना भाई, एक्स एक्सिस से आ रहा है लिगेंड, यहां से आ रहा है, तो जिनके इलेक्ट्रॉन एक्स पे ही घूम रहे हैं, वाई से आ रहा है, जिनके इलेक्ट्रॉन वाई पे घूम रहे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन जेड पे घूम रहे हैं, अरे क्योंकि लिगेंड कहां से आ रहा है, एक्सिस वाली साइड से, और इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं, इन दो ऑर्बिटल के, इन दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं, एक्सिस पर ही घूम रहे हैं, देखो इसको देखो और इसको देखो, और इनके कहां घूम रहे हैं, बोलो, एक्सिस के बीच में, बीच में घूम रहे हैं। तो मुझे बताओ जब लिगेंड से अप्रोच करा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किनको लगाया, डीएक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर को, और किनको कम रिपल्शन लगा, बोलो, इन तीन ऑर्बिटल को रिपल्शन क्या लगा, कम लगा, नहीं आया समझ में, इन दो को रिपल्शन लगा ज्यादा और इन तीन को लगा रिपल्शन, बोलो क्या, कम। अब इससे क्या होता है सर, सर जिसको ज्यादा रिपल्शन लगेगा वो जगह अनस्टेबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कौन सी वाली जगह इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब स्टेबल नहीं है, जो एक्सिस पे है, और कौन सी कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कौन सी वाली कंपैरेटिवली लगन ज्यादा स्टेबल है, जो एक्सिस के बीच वाली जगह है, कौन सी अनस्टेबल है, बढ़िया नहीं है, जो एक्सिस पे ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले कौन सी जगह को भरना पसंद करते हैं, जो स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, जो स्टेबल होती है। आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक सीखना पड़ेगा, क्या तुम जानते हो कि इन पांचों ऑर्बिटल्स को आप शुरू से एक साथ क्यों बनाते हो, क्यों बनाते हो सब एक साथ, बहुत अच्छे आशीष, इन सबकी एनर्जी एक जैसी होती है सर, सबके सब बराबर स्टेबल होते हैं, इक्वली स्टेबल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे भरते हो कि पहले एक इसमें गया तो फिर अगला इसमें गया, क्योंकि सबके सब बराबर स्टेबल है। लेकिन 3D से पहले आपने 4s भरा, पहले इसमें पूरे दोनों भर दिए, क्योंकि 4s कंपैरेटिवली इसके बोलो क्या था, ज्यादा स्टेबल था, तो पहले इसको भर दिया। लेकिन ये पांचों बोलो कैसे होते हैं सर, बराबर स्टेबल होते हैं, और इनके बराबर स्टेबिलिटी की वजह से किसी को भी दो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं दे सकते, इसका मतलब ये हो जाएगा वो ज्यादा स्टेबल है। तो सबको बोलो क्या कहते हैं पहले, एक एक इलेक्ट्रॉन, अरे हंट्स रूल याद करो ना, क्यों आपके पी ऑर्बिटल के जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स वाई, सॉरी पी एक्स, पी वाई और पी जेड, क्यों सबको पहले एक एक देते हो, क्योंकि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ना जितना स्टेबल ये एक्स वाला पोजिशन है उतना स्टेबल और उतना स्टेबल। तो वैसे ही तो बच्चों इलेक्ट्रॉन चाहे एक्स और वाई के बीच में घूमे, चाहे वाई और जेड के बीच में घूमे, चाहे जेड और एक्स के बीच में घूमे, स्टेबिलिटी बिल्कुल क्या है, बोलो, सेम है। हाँ, उससे अंदर वाले ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल थे इसलिए उनमें पहले इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन मुझे तुम ये बताओ ना, डी ऑर्बिटल में ये जो पांचों पोजीशंस हैं, आइदर द पोजीशन बिटवीन द एक्सिस और द पोजीशन एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस, दीज पोजीशंस हैव द सेम स्टेबिलिटीज, दीज पोजीशंस हैव द सेम एनर्जीज, इस कारण से सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। एग्री करते हो कि नहीं करते, कह रहे सर नहीं आ रहा समझ में, नहीं, अगर वो कुछ भी अलग होता तो हम इनको कभी भी एक साथ नहीं भरते, सब कुछ ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इनका एनर्जी, इनका स्टेबिलिटी, सब कुछ क्या होता है,
सेम, आप डीएक्स वाई की जगह पहले डी वाई जेड में भरोगे तो बात क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ जब तक कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था, अभी कुछ ऐड करूंगा, सुनो सही। अगर अकेला जब तक कोबाल्ट है, बच्चों 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 बोर्ड पे, कुछ 11th का गलत नहीं होगा, चिंता मत करो। अगर अकेला कोबाल्ट है, जब तक कोबाल्ट अकेला है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सचिन निखिल पिटाई हो जाएगी, बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है, तुम मस्ती में लगे हो। सेंट्रल एटम जो कोबाल्ट है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो या तो 3DXY में है या DYZ या DZX या DX2Y2 DYZ, ये सब बराबर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है, तब तक तो हम ऐसे ही भरते हैं ना। लेकिन लेकिन आप मुझे बताओ, जब लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है, ढंग से सुनोगे तभी समझ आएगा, जब लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है तो क्या ये पांचों ऑर्बिटल अब बराबर स्टेबल रहे क्या? अरे बोलो तो सही, क्या ये जो पांचों ऑर्बिटल है मेरे, कौन कौन से पांचों ऑर्बिटल, सब बच्चे बोलो, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, जो कि एक्चुअली में पहले बराबर स्टेबल थे। अगर मैं ये एक्सिस एनर्जी वाला मानू ना बच्चों, ये वाला एक्सिस में एनर्जी वाला मानू, तो सबकी एनर्जी सेम है, देखो किस लेवल पे है, सबकी एनर्जी सेम है। सपोज दैट सबकी एनर्जी कितनी है बोलो, 100 100 100, सबका एनर्जी बिल्कुल सेम है, सबकी स्टेबिलिटी बिल्कुल, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, सारी जगह बराबर स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन सब में जाना पसंद करता है, इसलिए पहले सबको एक एक भरता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन होता कि नहीं होता। लेकिन तुम मुझे बताओ, जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, 2X से 2Y से और 2Z से, तो कौन सी वाली ऑर्बिटल्स उतने स्टेबल अब नहीं रहेंगे, कहां इलेक्ट्रॉन अब जाना पसंद नहीं करेंगे? सर X2Y2 वाली पोजीशन, और बोलो कौन सी, Z2 वाला ऑर्बिटल, मतलब इन दो ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन्स जाना पसंद, क्योंकि इन जगहों पर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, समझने की कोशिश करें। और वो कहां जाना पसंद करेंगे, सर एक्सिस के बीच में। अब सर आप इनको एक जैसे एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स नहीं कह सकते, अब सर आप ये नहीं कह सकते कि सबके सब बराबर स्टेबल है। सर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब ये तीनों थोड़े ज्यादा स्टेबल है और ये वाले दो कम स्टेबल है, और जिस पे रिपल्शन ज्यादा लगी है, जो कम स्टेबल हो गया, उसका एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइए ना, एनर्जी ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी, एनर्जी ब्रिंग्स या अनस्टेबिलिटी ब्रिंग्स एनर्जी, ना हाई एनर्जी पे आता है, मेरी बातों को समझिएगा। जब ये लिगेंड्स आए, 6 लिगेंड्स, तो इन्होंने ज्यादा रिपल्शन किस पे लगाई बोलो, DX2Y2 और बोलो किसके ऊपर, DZ2 पे। जिस पे रिपल्शन ज्यादा लगेगी आदर्श, वो क्या हो जाएंगे बोलो, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने का मतलब उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी बोलो, ज्यादा एनर्जी भी क्या हो जाएगी। तो कहते हैं कि बाद में ना, ये पांचों ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी के रहते ही नहीं है, इनमें से ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं ना, इनका एनर्जी बोलो क्या हो जाता है, इनका एनर्जी हो जाता है सर हाई, इनका एनर्जी हो जाता है सर हाई। और अगर किसी का हाई होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि अगर किसी की एनर्जी बढ़ गई है, मतलब वो अनस्टेबल हो गया, तो किसी की एनर्जी डेफिनेटली बोलो क्या हो गई होगी, घट गई होगी, और घट गई होगी तो इन तीनों की सर घट गई होगी। चिंता मत करिए, सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप बातें करते करते पढ़ रहे हैं ना, तो भूल जाओ, कुछ नहीं आएगा समझ में, और घर पे भी कोशिश करें तो भी नहीं आएगा, बुक से तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपके जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो ऑर्बिटल्स चले गए ऊपर, अब ऊपर जाने का मतलब बताऊंगा, और ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये कहां आ गए बोलो, नीचे। इस नीचे आने का मतलब ये है बच्चों, दे अक्वायर द लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट मतलब हाई स्टेबिलिटी वाली स्टेट, तो ये ज्यादा स्टेबल वाली जगह बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये वाली बोलो क्या, कम स्टेबल वाली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब पहले किसमें जाना पसंद करेगा, इनमें, पहले इन तीनों को भरेगा, उसके बाद उसमें जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर मेरे से आप ये पूछे कि ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं बच्चों, ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन भरने मुझे, और पोजीशंस मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बोलो, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, और 6 लिगेंड आ रहे हैं, अब बोलो इलेक्ट्रॉन से पूछो कि कहां जाना पसंद करोगे, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम बिल्कुल एक्सिस के बीच में जाएंगे, हम एक्सिस पे नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे बोलो एक्सिस पे, क्योंकि वहां से कौन आ रहे हैं, लिगेंड्स आ रहे हैं, कौन आ रहे बोलो, हम पहले सारी वाली जगह भरेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सिस के बोलो कहां पर है, बीच में। तो मतलब कि सर ये वाली जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं कंपैरेटिव टू दीज टू ऑर्बिटल्स, एग्री और नॉट? नहीं आ रहा सर समझ में। और ये लो एनर्जी पे आ गए, इसका मतलब इनकी इनकी स्टेबिलिटी बोलो क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इन्हीं में जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये किस तरीके से, तो क्या हुआ? सो गाइज, अरे क्लास बोर्ड पे यार, इनकी एनर्जी बढ़ी है तो इनकी एनर्जी घटी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है जितनी बढ़ेगी उतनी बोलो क्या होगी, घटेगी भी। तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करें, बताओ भाई सब बच्चे, अगर ये 100 100 100 करके थे, मतलब सब पहले बराबर एनर्जी के थे, इक्वल एनर्जी का मतलब होता है इक्वल स्टेबिलिटी, सबको पहले एक एक मिलेगा, कोई भी ज्यादा अधिकार नहीं रखता इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और अकेला कोबाल्ट ऐसे ही होता है, अकेला कोई भी
अगर एटम आप बात करोगे कोबाल्ट या निकल, सबके सब बराबर स्टेबल है, सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट सर जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच करा, जैसे किसने अप्रोच करा बोलो, लिगेंड्स ने, अब ये पांचों जगह एक जैसे स्टेबल, अब ये डी ऑर्बिटल कहते हैं स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है बोलो, स्प्लिट। एक तीन ऑर्बिटल ऐसे जो ज्यादा स्टेबल है और दो ऑर्बिटल ऐसे जो कम स्टेबल है, इसीलिए लो एनर्जी एक्वायर करता है और ये बोलो क्या, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पहले इनमें भरा जाएगा और बाद में उसमें भरा जाएगा। गेट माई पॉइंट और नॉट? और आपकी जिनकी एनर्जी बड़ी है आप यूं मान सकते हैं, जैसे कि इनकी एनर्जी 100 से बढ़ गई, कितनी कितनी होगी बोलो, 160 160 अरे 160 160। और जब उनकी बड़ी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है किसी की बड़ी है तो किसी की बोलो क्या होगी, घटी होगी। तो इनकी घट के बोलो कितनी होती है, 60 60 60। टोटल करो पहले कितनी बोलो 500, बाद में टोटल करो 320 और 180 बोलो कितना 500। तो उनकी बढ़ती है तो इनकी एनर्जी क्या होती, घटती है, मतलब वो ज्यादा अनस्टेबल होते, कि कंपैरेटिवली बोलो क्या होते, ज्यादा स्टेबल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन में पहले जाएगा। और ये इन दोनों के बीच में बोलो क्या बन जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। क्या होता है बोलो, एक गैप क्रिएट। नहीं आया सर, बहुत मुश्किल कहानी होगी सर, बस यही है अभी आपको, बस अभी तक बात समझ में आ गई तो खेल बन जाएगा। अब कुछ गेम में बचा नहीं है, बस दो मिनट की बात बची है जो बताऊंगा आप। तो आपको क्या समझना है, क्लास बोर्ड पे सब बच्चे, आखिरी बात बोलूंगा उसके बाद मैं कराऊंगा कि उसका आंसर आप लोगों ने D2SP3 कैसे बनाया और CL वाले का CFT ने SP3D2 कैसे बताया। तो सब बच्चे ध्यान देंगे दोबारा से एक बार, फाइनल टच है इसका। आप कोई भी मेटल लेते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी होगा वो डी ब्लॉक से होगा, 3D सीरीज से होगा। आप याद करें सारे वही थे, कोबाल्ट निकल आयरन सारे यही थे। अब वो जब इस सीरीज से होगा तो उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से ऑर्बिटल में होंगे, 3D ऑर्बिटल में। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3D ऑर्बिटल में होते हैं, किन ऑर्बिटल में होते हैं बोलो, DXY DYZ DXY2Y2 और DZ2। या तो मेरे कुछ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते बोलो, एक्सिस के बीच में, या एक्जैक्टली कहाँ घूमते बोलो, एक्सिस पर ही घूमते। अब मैंने कहा कि पहले तो ये बराबर स्टेबल होते सारे के सारे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है लॉजिकली, जैसा आपने VBT में पढ़ा। VBT में कैसे भर रहे थे, VBT में कैसे भर रहे थे बोलो, एक 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 फिर एक एक भर रहे थे, ऐसे भर रहे थे। लेकिन CFT कहता है कि जब लिगेंड्स जुड़ जाते हैं ना, जब लिगेंड्स अप्रोच करने लग जाते हैं, उस दौरान ये सारे ऑर्बिटल सब बराबर स्टेबल नहीं रहते। जिनको आप इक्वल एनर्जी वाला मान रहे हो, इक्वल एनर्जी वाले नहीं रहते, कहीं ना कहीं दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं। और ये वाली तीन जगह बोलो क्या होती है, कंपैटिबली स्टेबल। सो ये हाई एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं और ये वाली बोलो क्या, लो एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए इलेक्ट्रॉन इनमें पहले भरा जाएगा और उसमें बाद में, लो एनर्जी मींस स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? और क्या आपको नहीं लगता कि जब लिगेंड्स आ ही एक्सिस के थ्रू रहा है, एक्सिस वाली डायरेक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सी वाली जगह ज्यादा स्टेबल है, DXY DYZ और DZX वाली, कौन सी वाली कम स्टेबल है जो एक्जैक्टली एक्सिस पे है? समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? लेकिन सर पक्की बात है कि नहीं? नहीं आ रहा। अच्छा एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, अगर बच्चों लिगेंड स्ट्रांग हुआ, इफ लिगेंड इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करेगा, कोई मुझे बता सकता है? मैं यहां पर कुछ लिखूंगा और मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन आपसे चाहिए। अगर कहता है लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, सो कहते हैं दिस इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा होगा, ये गैप बहुत बड़ा होगा, ये क्या है भाई, ये क्या है डेल्टा नॉट, दिस इज द गैप, एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स, दीज टू लेवल्स। तो मुझे बताइए गैप बड़ा क्यों होगा? बहुत अच्छे, जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा तो इनको बहुत अनस्टेबल करेगा, और बहुत अनस्टेबल करने के बाद इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और इनकी एनर्जी अगर ज्यादा बढ़ेगी तो उनकी एनर्जी ज्यादा घटेगी, तो गैप क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन सोचो कि भाई वीक लिगेंड आया, कैसा लिगेंड आया बोलो, वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक वाला कम रिपल्शन लगाएगा, कम रिपल्शन लगाएगा तो इनको उतना रिपेल भी नहीं करेगा, तो होंगे तो ये अनस्टेबल, लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल इसका मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और जब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी तो उसकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं घटी, तो गैप कैसा होगा, छोटा होगा। समझ नहीं आया सर? तो यहां पर क्या बोलूंगा, अगर लिगेंड वीक हुआ, अगर लिगेंड कैसा हुआ बोलो, वीक हुआ, इफ लिगेंड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो दिस गैप इज स्मॉलर। बच्चो आया कुछ नहीं आया समझ में अभी तक समझ में आ गया? अब आखिरी बात करूंगा और CFT पूरा समाप्त हो जाएगा भाई इसके बाद। तो गाइज ये मेरी आखिरी चीज है, कोबाल्ट NH3+ की हाइब्रिडाइजेशन एक बार CFT से निकालते हैं। CFT कहता है कि कोबाल्ट भैया 27 नंबर पे है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4S2 3D7, बट दिस इज एक्चुअली सर कोबाल्ट 3+, सो दिस विल बी द ऑर्गन 3D6। अब ये कहता है CFT क्या कहता है, तो यार कुछ बच्चे फिर भी बोले जा रहे हो सैदांशु, ये देख लो जो कोबाल्ट के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को CFT ऐसे समझाना चाहती है कि आप जो इसको ऐसे भर देते हैं ना, ये सिस्टम ही गलत है, आप जो इसको ऐसे भर देते हैं ना कि 6 को 1 2 3 4 5 6, और बाद में कहते हो कि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड था इसको पेयरिंग कर दो, कह रहे वाले होते हैं भरना ही गलत है। वैसे तो बात ठीक है आपकी, आपने ये करा कैसे था जरा बताना, आपने कैसे करा था सब बच्चे, सब इस केस को देखो बोलो, पहले सर ऐसे भरा, फिर आपने क्या करा बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसा बन गया, फिर आपने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयरिंग कर दिया, आंसर तो आ गया वाला। लेकिन देखो ये वाला स्टेज था,
देख ध्यान नजर रखना इसके ऊपर, नजर रखना फाइनल वाले के ऊपर। अब तुम मुझे बस ये बताओ कि कहता है ऐसे भरना ही गलत है, कौन बताएगा ऐसे भरना क्यों गलत है? सीएफटी कहती है ऐसे भरना ही गलत है, कहता है यार आप एक 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 करके कैसे भर रहे हो, ये तो ज्यादा स्टेबल जगह है, वो कम स्टेबल जगह, आपने उसमें एक क्यों भर दिया? जैसे हमेशा 1s 2s से पहले भरा जाएगा, पूरा भरा जाएगा, क्यों? क्योंकि 1s ऑर्बिटल जो होता है वो 2s ऑर्बिटल से बोलो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो पहले पूरा भरा जाता है। नाजिया 1s पहले पूरा भरा जाएगा बिकॉज 1s कहीं ना कहीं 2s से बोलो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन पीएक्स पीवाई और पीजेड बिल्कुल बराबर स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर होते हैं, सबको एक ही मिलता है। तो वो कहते हैं यार आप तो ये गलत तरीके से भर रहे हो, आपका ये भरने का पैटर्न ही गलत है, क्योंकि पांचों ऑर्बिटल बराबर स्टेबल, कहीं ना कहीं जो एक्सिस के बीच वाले हैं वो ज्यादा स्टेबल है और एक्सिस के जो एक्जैक्टली एक्सिस पे घूमने वाले हैं वो कम स्टेबल है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्यों लेके जा रहे हो आप? तो ये कहता है कि जिसको तुम ऐसा समझ रहे हो, जिसको तुम ऐसा समझ रहे हो वह ऐसा अब नहीं है, वो सर अब ऐसा है, दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी वाले हैं, क्लियर होता है कि नहीं होता, और दो तीन ऑर्बिटल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो क्योंकि ये वाला एक्सेस एनर्जी एक्सेस है, ये वाले नीचे वाले ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, तो ऑर्गन तक का तो मामला ठीक है, जैसे भरा गया भरा गया, लेकिन जो लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाएंगे, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, ढंग से सुनना। ये बीच में बोलो क्या है, गैप है। चलो 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 आ जाओ, अब मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, क्यों गया? क्योंकि सर एक्सिस के बीच वाली जगह ज्यादा स्टेबल है। दूसरा कहां गया, तीसरा कहां गया, चौथा? अब सुनो, अब ये चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन है, चौथा वैसे जाना चाहिए था उनके अंदर, क्योंकि लॉजिकली हमने ये पढ़ा बराबर होते हैं, बट आपको पता है कि बराबर एनर्जी की बराबर स्टेबिलिटी नहीं है, बराबर स्टेबिलिटी, अब किन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में है, कंपैरेटिवली टू दोज ऑर्बिटल्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं, बोलो एक्सिस पे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन उनमें जाने की बजाय किसमें जाना चाहिए, बोलो इसमें जाना चाहिए। सहमत होगी नहीं पहले मुझे तुम ये बताओ, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात मैं ऐड करूंगा, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें जाने की कोशिश करता है ना, तो उसको ये जो तीन इलेक्ट्रॉन है रिपेल करते हैं कि भैया हम तो यहां बैठे हुए हैं, तुम्हें आगे वाले में जाओ, समझो 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 समझो, इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा इलेक्ट्रॉन जब यहां भरने की कोशिश करता है, मैं इन लेवल्स के नाम भी रख देता हूं जो आपको नहीं पता है शायद अभी तक, ये जो दो लेवल बनते हैं इनके नाम है अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, इसका लेवल होता है T2G, इसको T2G लेवल बुलाते हैं, और इसको इसको EG लेवल बुलाते हैं, शोर मत करना पहले बोल रहा हूं बिल्कुल भी, ये T2G लेवल होता है और ये EG लेवल होता है, जी लगा के बात करनी है, T2G और बोलो क्या EG। अब सुनिए, तीन इलेक्ट्रॉन तो T2G में गए, बड़ा स्वाभाविक था क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन सर वहीं जाएंगे जो ज्यादा जगह स्टेबल होगी, अब चौथा भी तो सर यहीं जाएगा ना, उसमें क्या डाउट आ रहा है सर? लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश करेगा, यानी पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, विकास चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, तो क्या जो पुराने तीन इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल नहीं करेंगे, धक्का नहीं मारेंगे, रिपल्शन लगाएंगे? इसको बोलते हैं कि जब ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश करता है, यानी पेयरिंग करने की कोशिश करता है, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन उस चौथे इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं कि भाई तो उसमें जा, dx² y² वाले में जा, हम यहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, समझना मेरी बात को, हम ऑलरेडी यहां पर बैठे हुए, रिपल्शन लगाता है उसके ऊपर। इस एनर्जी को बोलते हैं, सुनो जरा, इस एनर्जी को बोलो हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं बोलो, पी से डिनोट करते हैं, और इसको बोलो क्या बोलते हो, दिस इज द एनर्जी गैप, दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड। अब आप मुझे बस एक छोटी सी बात बोलिए, जब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड होने गया, तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन ने उसको रिपेल करके एक एनर्जी दी, जिस एनर्जी का मैंने क्या नाम रखा, पेयरिंग एनर्जी, और उसको ऊपर की तरफ उछाला कि भाई तुम उसमें जाओ, भाई उसमें जाओ, उसमें भरने जाओ, dx² y² में। लेकिन आप जानते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, कैसा लिगेंड हुआ, तो ये गैप क्या होगा, बड़ा। अब सोचिए ना कि मैंने किसी चीज को फेंका दूसरी मंजिल में फेंकने के लिए, लेकिन मैंने एनर्जी उसको ज्यादा नहीं दी, तो शायद वो वहां ना जाके वापस कहां आएगा, बोलो नीचे, क्योंकि ये लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग है, फोकस करिएगा, क्योंकि लिगेंड बोलो कैसा है, तो ये गैप कैसा होगा, और पेयरिंग एनर्जी जो मिलेगी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि वो उसको उधर दाखिल कर सके। तो यहां पर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सुन लीजिएगा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ध्यान रखना, ये गैप जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, बड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, गैप जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी से बोलो क्या होता है, बड़ा। सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन T2G लेवल। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ चौथा भी कहां जाएगा, बोलो यहां पर, पांचवा कहां जाएगा और छठा कहां जाएगा? तो कोई इतनी एनर्जी दे ही नहीं पाता किसी भी केस में कि इलेक्ट्रॉन जंप करके, बोलो इस पूरे गैप को जंप करके ऊपर चला जाए। तो अब आप मुझे बताओ सब बच्चे, जिस चीज को तुम लोगों ने वहां पर कैसे पढ़ा था, पहले तीन में सारे आ गए थे, इधर इसने लॉजिकली एक्सप्लेन करा कि वो तीनों, वो छह के छह इलेक्ट्रॉन इन्हीं तीन में क्यों गए, अगले दो में क्यों नहीं गए, पहले इन्हीं को क्यों भरा,
और आपने यहाँ पर इस तरीके को जो यूज करा था वो ठीक है जो भी है, लेकिन सीएफटी आपको नहीं लगता कि ज्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा जनरली वो चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों मेरे इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पहले उन ऑर्बिटल्स में गए जो एक्सिस के बीच में है, क्योंकि सर लिगेंड्स आ रहे हैं एक्सिस वाले डायरेक्शन से और एक्सिस वाले डायरेक्शन में इतनी स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इन्हीं जगहों को भरना पसंद करते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये पूरा मामला सीएफटी का, देखो आधे घंटे तक चीजें चली हैं, लेकिन अगर आप लोग रिदम में थे, आप लोगों ने सारी बातें सुनी है तो समझ में आ गया होगा, नहीं सुनी है भाई प्रॉब्लमेटिक लगेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जितना बेस्ट बता सकता मैंने बताया अपने दोस्त से, आपको समझ में आना चाहिए था जितनी बातें करी हैं, टीचर को भी फील हो जाता है कि सारी बातें ठीक से बताई गई नहीं बताई गई, तो सबको बताया गया ढंग से, तो मेरे को लगता है कि चीज आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब तुम मुझे बस ये बताओ वीबीटी से भी आंसर तो अनुराग सेम था, वीबीटी से भी तो आंसर ये था ना, तीन ये थे, तो अब जो छह लिगेंड्स जाएंगे वो कहां से जाएंगे? सर दो यहां से भरेंगे पहले, सब बच्चे दो पहले कौन से में भरे, कौन से में जाएंगे बोलो, डी टू में। अरे दो किस में जाएंगे पहले? डी टू में, फिर थ्री डी के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आता है? फोर एस, और फिर कौन आता है बोलो? फोर पी, तो एक जाएगा एस में और तीन जाएंगे पी में। कुछ कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, अरे भैया ये तीन भरे हैं तो मेरे जो अगले छह लिगेंड्स, जो छह लिगेंड्स है वो कहां से स्पेस लेना शुरू करेंगे? दो जाएंगे इसमें, फिर ने देखा देख लीजिए फिर बाद में देखिए मैंने क्या कर दिया, दो जाएंगे इसमें, फिर अगला 3D के बाद कौन आता है? 4S, और फिर कौन आता है बोलो? 4P। बाकी का पैटर्न सेम है, बाकी का पैटर्न सेम है, हमें तो बस ये सोचना था कि जो VBT में आंसर आया वो CFT में आंसर सेम कैसे आया। तो CFT ने उसका लॉजिक अलग दिया भाई, उसने ये नहीं बोला सबको पहले एक एक भर दो फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया पेयरिंग कर दो, उसने वो तरीका बना रखा है, बट CFT ने जनरली बताया कि क्यों ऐसा है कि पहले तीनों में ही भरेंगे, कोई पेयरिंग वेयरिंग का सीन नहीं है, सब यहीं जाएगा ऊपर जाएगा ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बात वही आती है सर, इसके अलावा अगर मैं दूसरा वाला केस करूंगा तो तब तो ऐसा नहीं होगा, तब कौन सा केस बोलो, कौन सा केस है बच्चे? जब कोबाल्ट Cl6-3- होगा, तो सब बच्चे बताने ऐसे में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो जिन बच्चों ने सुना है ना उनको समझ में आ गया क्या कहने चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? तो आप ये बोलेंगे सर इस केस में आप लोग देखो, अरे कोई ये मत कहना स्प्लिटिंग नहीं होगी बच्चों, चाहे वीक लीगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग लीगेंड आए, ये बात तो पक्की है, रिपल्शन तो करेगा ना, और रिपल्शन करेगा तो ये बात तो पक्की है कि जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे और बिना एक्सिस वाले ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन हाँ, इधर इतना बड़ा गैप, इनमें जो गैप बहुत बड़ा नहीं आएगा, गैप समझ में नहीं आ रहा गैप क्यों बड़ा नहीं आएगा, आ गया? तो ये मेरा T2G लेवल है, ये मेरा EG लेवल है, तो इस बार क्या होगा? इस बार नॉर्मल सिचुएशन बच्चों, इस बार नॉर्मल सिचुएशन बोलो क्या? एक दो तीन, व्हेन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्राई टू एंटर इनटू द T2G लेवल, इट विल गिव द प्रिपेयरिंग एनर्जी एंड दिस गैप इज वेरी स्मॉलर, सो इट विल जंप टू द नेक्स्ट लेवल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो फॉलो द सेम ट्रेंड 4, 5, 6, सेम ट्रेंड फॉलो करिए, यहां पर बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं आता है, नहीं है पसंद में। यहां पर क्या बोलोगे? इन केस ऑफ वीक लिगेंड योर पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द गैप, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन EG लेवल। ओ भाई कुछ समझ में आया? अब मुझे बताओ अगर ऊपर गया तो, अब ऊपर गया तो बताओ जरा ऑर्बिटल्स कहां से भरना शुरू होंगे? 4s से, क्योंकि तो पूरा भर गया, तो 4s से शुरू होंगे, तो पहला कौन सा जाएगा? s, फिर 4p के कितने जाएंगे? तीन, और फिर बोलो कितने दो, हो गए 6। आंसर वही आएगा, डोंट वरी, आप चाहे किसी से भी कर लेना, चाहे CFT से VBT से सेम आएगा, लेकिन आपको CFT क्वेश्चन डालेगा, कहेगा CFT में ऐसा क्यों, CFT में वैसा क्यों, CFT में ऐसा। क्लियर हो रहा है? अब तुम मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, मेरा क्वेश्चन है, जो बच्चे बातें सबसे ज्यादा कर रहे थे, चहल पहल सबसे कर रहे थे, सचिन आपसे ये पहला, आपको ये बताना है कि अगर किसी का D5 कॉन्फिगरेशन है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपको इसका कॉन्फिगरेशन बताना है, राइट डाउन द D5 कॉन्फिगरेशन इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर लिगेंड बोलो कैसा है, ये क्या बोलना चाह रहा है तुम्हें पता है? अगर किसी एंटिटी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है D5 पे, कितने बोलो? 5, तो तुम्हें बस ये बताना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो कितने T2G में जाएंगे और कितने EG में जाएंगे, और अगर वीक हुआ तो कितने T2G में जाएंगे और कितने EG में जाएंगे। सचिन अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो कितने T2G में, उसको बताने दो यार, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो कितने T2G में? 5 T2G में चले जाएंगे, EG में नहीं जाएगा एक भी, क्यों? गैप ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाने ही है, ए क्लास 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 प्लीज, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाने ही गारंटी है। प्रॉब्लम कहां से आती है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन से, या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन
इतनी पेयरिंग एनर्जी ले लेगा कि जंप कर जाएगा गैप को, या फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप, लेकिन ये तो बात है ना। तो आप ये बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में गैप बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में गैप बहुत बड़ा है, क्यों बड़ा है सर? क्योंकि सर वो रिपल ज्यादा करता है तो वो उसको बहुत अनस्टेबल कर देता है, हाई एनर्जी पे जाता है उसको। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपको पता है, पहले केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में सब बच्चे जानते हैं गैप बड़ा होता है पेयरिंग एनर्जी से, जिससे गैप बड़ा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे जाएगा, पांचवा भी नीचे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा टी टू जी में 5, ई जी में 0। निष्का बताएगी कि अगर लिगेंड वीक है तो गैप कम होगा, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, अब क्या होगा, 3-2, तो टी टू जी में 3 जाएंगे और ई जी में, अब समझ में आ गया है, डी 8 में वो सिंपल वो डिपेंड करता है कि आपने 6 पहले इधर भरने, फिर 2 बाद में भरने, अगर स्ट्रॉन्ग है तो। वैसे डी 8 का पूछता नहीं है, लेकिन अगर डी 8 पे पूछेगा अभी तो भी आपको पहले 6 भरने स्ट्रॉन्ग केस में नीचे, बाकी ऊपर वाले, और नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल भर दो जैसे भरते हैं, ठीक है। क्लास मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, ओए इधर नहीं आ रहा समझ में, क्या समझ में, चलो डी 4 का बताना, डी 4 बोलना, कभी कभी ऐसे देता है, कभी कभी ऐसे देता है, स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बताता, कभी कभी कहता है ऐसे, अब बोलता है आंसर बताओ। तो एक केस में जब गैप बड़ा है यानी स्ट्रॉन्ग है तो बोलो क्या बोलोगे, टी टू जी में 4, ई जी में 0, और सेकंड केस में बोलो क्या बोलोगे, मुश्किल लगा, आसान है। तो मुझे तुम ये बताओ, अब तुम्हें दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएगी, उसका आंसर डी टू एस पी थ्री, इसका आंसर एस पी थ्री डी टू कैसे आया था, आया समझ में, सी एफ टी के थ्रू समझ में आया, और सी एफ टी में ये वाली बात समझ में आई जो मैंने पूरा माजरा बताया। अब लेकिन कुछ पढ़ा देता हूँ, एक छोटी सी चीज और, नहीं नहीं टॉपिक की, टॉपिक के बारे में मैं रीड आउट कराऊंगा, कुछ कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, कोई नहीं, ये भी ट्यूशन ही है। अरे शर्त बाद में लगाई, देखो ये बीबीटी है, देखो बीबीटी ये पढ़ी हमने, देखो जरा ध्यान से, देखो यहां ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ऐसे ही रहे, फ्लोरीन वाले केस में ऐसे ही रहे, बट सीएल वाले भी ऐसे रहे, और कौन सा केस है, एनएसथ्री वाले करा रखा इन्होंने, ये रहा देखो, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, पेयर कर दिया, ठीक है। सो ये आपको पता है, लेकिन अब सी एफ टी देखो कहां पर है, ये नहीं आई भी, यहां से आई। चलिए अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, हाँ भाई क्लास बस थ्योरी रीड करेंगे हम, ठीक है, थ्योरी रीड करेंगे, सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होंगी, मैं बोलता चलूंगा, जहां मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है वहां मैं दूंगा, ठीक है। पहले वाले भी तो पैराग्राफ में कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, बच्चों ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस के बीच का जो रिपल्शन है ना, उस तरह का मॉडल है, विच कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक, अराइज द प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज द पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ द अनायंस और द पॉइंट डाइपोल्स इन द केस ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, कोई दिक्कत नहीं है। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम एंड हैव द सेम एनर्जी, इंपॉर्टेंट बात शुरू हो चुकी है, जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम में, मतलब जब तक एटम आइसोलेट है, मतलब किसी से भी मिला नहीं है, जब तक वो अकेला है, तब तक उसकी 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बोलो क्या होती है, सेम दैट इज सेट टू बी द डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे होते हैं बोलो, डीजनरेट।
दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्जेस सराउंडिंग द मेटल एटम। हाँ, उस वो बोलना चाह रहा है कि ये ऐसे ही रहेगी अगर उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं, मतलब आपको पता है कि एटम को हमने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन माना हमेशा से, तो कुछ वैसे रहते तो वैसे ही रहेगी। लेकिन हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू द लिगेंड्स, बट जब ये नेगेटिव फील्ड किसकी वजह से बनती है, लिगेंड्स की वजह से, आइदर एनायन और द नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोलर मॉलिक्यूल लाइक दिस एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, इट बिकम्स असिमेट्रिकल, अभी एक जैसे नहीं रहते, एंड द डीजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड, और उनकी डीजेनरेसी बोलो क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है, हट जाती है। इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, जिसके कारण डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, बोलो स्प्लिट हो जाते हैं। द पैटर्न ऑफ द स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड, और ये जो स्प्लिटिंग होगी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो क्रिस्टल फील्ड, जो हमारा लिगेंड आया है ना, वो किस प्रकार का आया है। तो गाइज, अब जो असली चीज है ना, वो यहाँ पर है, जो मैंने तुम्हें समझाई है वो सेकंड पैराग्राफ में है। कहता है कि बताइए क्या कहता है, इन एन ऑक्टाहेड्रल एंटिटी, ऑक्टाहेड्रल होता है जो छह लिगेंड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बोलो, तो कहते हैं इन एन ऑक्टा, ये छह वालों के लिए पढ़ना है बस, अभी छह के लिए पढ़ना है बस। तो इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद द सिक्स लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल एटम, जो जो पढ़ा है बिल्कुल एक एक चीज लिखी मिलेगी, सराउंडिंग द मेटल एटम एंड देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट लाइन, देयर विल बी अ, फोकस रखिए बिल्कुल बोर्ड पे, देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल, जो मेटल की डी ऑर्बिटल है वो, एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बोलो क्या लगेगी, रिपल्शन लगेगी जब लिगेंड उसको अप्रोच करेगा। सच ए रिपल्शन इज मोर, ये रिपल्शन तब ज्यादा होगी व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड, और ये रिपल्शन ज्यादा तब फील होगी जब हमारे जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल लिगेंड को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लिगेंड की तरफ होंगे। जैसे कि आपको पता है एक्सिस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर होंगे, लिगेंड की तरफ होंगे, और जो एक्सिस के बीच में वो लिगेंड की तरफ, उसकी तरफ फेस करके नहीं बैठे होंगे। इसलिए लिखता है दस द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स व्हिच पॉइंट टुवर्ड्स द एक्सिस, जिन्होंने किसकी तरफ टुवर्ड कर रखा, बोलो पॉइंट कर रखा एक्सिस की तरफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, विल एक्सपीरियंस एंड विल बी रेज इन एनर्जी, और जिसके कारण उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स व्हिच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस विल बी लोअर्ड इन एनर्जी रिलेटिव टू द एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी जितनी कंपैरेटिवली इनकी पहले थी। Thus the degeneracy of the d orbital has been removed due to the ligand electron metal electron repulsion in the octahedral complex to yield three orbitals of the lower energy that is t2g set and the two orbitals of the higher energy that is eg set. This splitting of the degenerate levels due to the presence of the ligands in a definite geometry is called as the crystal field splitting and the energy separation denoted by the delta naught. Thus the abhi ye wali baat to baad mein batunga, chhod do is cheez ko bhi, and ye bhi bolta tha crystal field splitting depends upon the field produced by the ligand, field produced by the, सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये डीजेनरेसी थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, और अगर वीक लिगेंड होगा तो ये क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल जो है ना स्प्लिट हुए, लेवल जो है स्प्लिट हुए, कुछ ऊपर गए और कुछ क्या गए, नीचे, ये दोनों ऊपर गए और ये तीन आए नीचे, नहीं बल्ले पड़ा। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वही शब्दों में यहाँ पर मेंशन है, या नहीं आया समझ में? हाँ रुक जाओ, अभी टाइम ही नहीं हुआ है, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, चुपचाप रहो, बस खत्म कर रहा हूँ मैं, कौन सा है, नहीं तुम्हें भी नहीं जाना, सुनो तो, बस खत्म कर रहा हूँ मैं, कौन सा, पहले तुम ये बताओ समझ में आ गया सारा मैटर आज का, सब बच्चे बताओ भाई, अरे बोलो भाई, बच्चों एक चीज सुन लो भाई, ओए क्लास, यहां पर मैं उसकी क्या डाल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन, जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, ताकि जब तुम पीडीएफ पढ़ो तो तुम लोगों को पता लग जाएगी किस चीज के थ्रू इसको एक्सप्लेन करा गया है, ये वो चीज है जो एक्सप्लेन करी गई है, एनसीईआरटी से पढ़ लेगा, बात तो एक ही है, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, ये तुम्हें सारा मैटर समझ में आ गया, सीएफटी का क्या होता है भाई, बोलो हाउ वीबीटी इज डिफरेंट फ्रॉम सीएफटी, भाग नहीं, मैं थोड़ा देखो, हाउ सीएफटी इज डिफरेंट फ्रॉम वीबीटी, सर वीबीटी का डायरेक्ट सिस्टम है, वो पहले 3D में इलेक्ट्रॉन भरवा देता है, बाद में बोलता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयर कर दो, वीक लिगेंड तो पेयर, लेकिन सीएफटी ने अलग ही बात कही, उसने कहा कि सब में आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते, जब लिगेंड्स अप्रोच करने लग जाते हैं ना तो हमारे तीन ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और दो ऑर्बिटल कम स्टेबल, तो हमेशा पहले हम तीन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
हाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है नीचे भी रह सकता है और ऊपर भी जा सकता है, वो डिपेंडिंग कि भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इसको स्प्लिट करा है या वीक लिगेंड। मामला कुछ बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, सबको समझ में आ गया नहीं आया, अच्छे से कर लोगे इसको, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में इस चीज को, इसके आगे शुरू करेंगे। नमस्ते।